हम लोग का मटन बन के रेडी है और ये रहा निकाल रहे हैं। ये रहा एकदम फर्स्ट क्लास कृष्णा का चावल और मटन। हेलो दोस्तों, दिलीप सोनी ब्लॉग्स में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों अभी सुबह हम लोग नहा धो के कम्प्लीट हो चुके हैं और अभी अपना अपना प्लान में सब है, मतलब घर में है परी और किशन, तो ये अपना सोच रही है नाश्ता पानी करने के बाद पढ़ाई लिखाई करेगी ना बेटे। हाँ देखिए अब एकदम छोटी बच्ची बन के परी घूम रही है। नहा ली ना तुम? परी नहा ली, हम भी नहा लिए और किशन अभी नहाने जा रहा है और देखते हैं उसका मम्मी अभी क्या कर रही है इधर किचन में। आइए मिलाते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए सोनी का थोड़ा तबीयत खराब है, से कर रही है, अभी तेल उल लगा के नहा ली है। तो थोड़ा अभी मौसम यहाँ का चेंज हो गया है, बस यही चीज हो रहा है कि गर्मी कर रहा है, हम जल्दी आने वाले हैं, बरसात कर रहा है हम भी आने वाले हैं, और ठंडा कर रहा है कि हम जाने वाले नहीं है। अब तीनों में चल रहा है युद्ध और उसमें फंसी हुई है सोनी, क्या उसी का चक्कर में हो गया है इसको सर्दी। अब देखिए अभी काढ़ा बना रही है, देखिए तो वही काढ़ा पिएगी, सुबह शाम थोड़ा पिएगी और थोड़ा स्टीम लेगी तो अच्छा होगा जल्दी। क्या अभी हम चल रहे हैं थोड़ा कहीं एक जगह घूमने के लिए और जहाँ भी जाएंगे आप लोगों को तो दिखाते हैं, तो कोशिश करेंगे हम लोग भी साथ में जाते हैं, लेकिन मेरा तबीयत ठीक नहीं है, सोनी का दूर नहीं जाएंगे। सोनी का तबीयत ठीक रहता तो लेके ही चलते है ना, और अभी थोड़ा दूर जाएगी तो फिर तबीयत खराब होगा तो फिर अभी दिक्कत होगा। तो अभी इनका भांजा लोग है जो कि अभी इनको लेने आएंगे, तो वो लोग उधर से आ रहे हैं, ये भी नहा धोकर भी रेडी हो गए हैं, तो ये लोग जाएगा। बाकी वहाँ क्या क्या करेगा, क्या पार्टी वगैरह मनाएंगे कि क्या करेंगे हमको कुछ पता नहीं है। मेरा एक छोटा भांजा है, बोले कि मामा मंदिर जाना है कि कहाँ घूमने जाना है कि क्या करना, हमको कुछ पता नहीं। तो अभी हम तो फास्टिंग में ही है, हो सकता है बीच में मंदिर कोई आ जाए तो यहीं पर थोड़ा सा पूजा कर लेंगे। हम घर में तो इसे पूजा कर लिए है ना जी, तो आने दीजिए फिर मिलते हैं। दोस्तों अभी आ चुके हैं हम लोग सोनमेर मंदिर, और मंदिर का बगल में हम लोग का था जो हम लोग का लोहरदगा का पार्टी है और वही सब बकरा पूजा किया था, तो हम लोग को भी इनवाइट किया था। अभी खाने टाइम में आए हैं लेकिन हम थोड़ा सा इधर चल गए थे, और इधर नितेश भी आ गया है मेरा भतीजा है ना। और अभी वहाँ आप देख रहे होंगे जो मंदिर दिख रहा है उसी का जस्ट बगल में एक झोपड़ी है, इसी में मटन वगैरह बन रहा है, वही हम लोग को खाना है अभी। तो अभी हम लोग चल रहे हैं सबको ही खाने के लिए, और सबको ही अपना एंजॉय कर रहा है, हम लोग भी इधर अनुपर हम थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ धूप था तो हम लोग धूप में आराम से बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। क्या अनुप मजा आ गया क्या? पूरा मजा आ गया। तो चलिए अभी हम लोग भी चलते हैं पार्टी में। तो अभी हम आ गए हैं यहाँ झोपड़ी के पास, और देखिये हम लोग का मटन वहाँ बन रहा है, और जो बड़ी दीदी लोग है यहाँ पर बैठी हुई है जो कि कुम्हार मोड़ शीशे से है, और ये कुर्गी है, और यहाँ भांजी है जो लक्ष्मी है, पहले हम लोग के साथ में थी लेकिन शादी होने के बाद अभी 20 साल बाद मिल रहे क्या लक्ष्मी है। और अभी वही गप्पे सप्पे हो रहा था हम लोग का है ना, कहे कि बहुत दिन बाद मिले तो थोड़ा सा सुख दुख का अपना बात उत होगा। अभी तो हम लोग चल गए थे उधर टाउन तरफ क्या दीदी है, एक छपरी में ला के बैठा दिए हैं। बहुत बड़े बड़े यहाँ पर है ना, धूप अभी काफी ज्यादा हो गया है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा यहाँ देख रहे हैं कितना अच्छा शेड बना हुआ है, पटिया बिछा है, हाँ चटाई यहाँ बिछा के सब एकदम आराम फरमा रहे हैं। तो अभी अब खाना का टाइम हो गया है, तो हम लोग का यहाँ थोड़ा फेमस है मटन और भात, तो इसी का मजा लेंगे। अब नमक मिर्चा खाती है ना लक्ष्मी है ना, तो अभी चलिए खाने के टाइम में हम मिलते हैं। और यहाँ हम लोग का मटन भात लग गया है, देखिए सब बकर बकर कर रहा है यहाँ पर, इधर सुजन भी है, ये भी है, और यहाँ देखिए हम लोग का मटन, अरे मटन कहाँ गया भाई, इधर इधर मटन बन के रेडी है, होटल वाला ही बना रहे हैं। और यहाँ देखिए तो अभी हम लोग भी खाना खा, हम लोग का मटन बन के रेडी है, और ये रहा निकाल रहे हैं, अरे भाई निकालिए एक मिनट, चलिए निकालिए, ये रहा एकदम फर्स्ट क्लास कृष्णा का चावल और मटन। तो यहाँ सब भाई लोग बैठा हुआ है खाने के लिए, खाना कैसा बना है राजकुमार बाबू से पूछते हैं। देखो खाना तो बहुत टेस्टी बना है, खा के बताओ। बहुत बढ़िया खाना, तो
है बहुत बढ़िया खाना बहुत एक नंबर सब्जी बहुत अच्छा बना है अभी फर्स्ट क्लास। तो दोस्तों अभी पार्टी करने के बाद में हम लोग सब आप निकल रहे हैं। इधर देखिए शुभम ड्राइव कर रहा है गाड़ी, इधर नितेश, और यहाँ देखिए हम लोग का पूरा जितना भी आया था लोग सबको अब जाने का तैयारी कर लिया है, तो सब अपना उधर जाएगा, अलग अलग रूट है सबका। तो चलिए अभी हम लोग निकलते हैं, क्या शुभम? हाँ। तो दोस्तों अभी हम आए हैं यहाँ लोदमा पहुँचे हैं, और लोदमा में थोड़ा सा इधर आए थे जंगल तरफ, और यहाँ देखिए एकदम मस्त जंगल का बीच में हम लोग हैं, और यहाँ देखिए फर्स्ट क्लास एक खदान है, काफी मछली भी दिख रहा है, मतलब खेल रहा है तो पता चल रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। तो फिर यहीं थोड़ा देर हम बैठ गए थे, अब यहाँ से भी हम निकल रहे हैं, पहुंचेंगे घर अभी, सब कोई आ रहा था तो टहलते टहलते हम इधर भी आ गए थे। चलिए अभी निकलते हैं अब घर की ओर। तो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ गए हैं घर, और देखिए नितेश भी आ गया है, इधर राजकुमार भी है, और सोनी का देखिए तबीयत खराब है, फिर भी अभी ठीक ठाक है का? तो चलिए अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद में मिलते हैं आप लोग से। ठीक है शुभम, बाय बाय। बाय राजकुमार, बाय। अभी शुभम सब निकल गया है, अब हम लोग चले घर, क्या किशोर? चलो। तो दोस्तों अभी हम लोग शुभम को भेज दिए, हमको छोड़ दिया, उसके बाद वो सब चला गया अपना घर, और हम आ गए। और बहुत सारा आदमी वहां पर थे, बहुत ज्यादा बजा बज रहा था ना, इसलिए हम वीडियो भी नहीं बना पाए। तो जितना भी हो सका हम अपना कैप्चर किए का सुने। और अभी आने के बाद में क्या हुआ ना, पूरा देख रहे हैं, पूरा लाइन भी कट गया है, प्लस मौसम चेंज हो गया है। हम लोग का इधर बारिश रोज शाम में 2 बजे के बाद में आ रहा है, बहुत ज्यादा बारिश पड़ रहा है, बहुत ज्यादा पड़ रहा है। तो देख रहे हैं ना, पूरा एकदम अंधेरा हो गया है। आने के बाद में हम कपड़ा भी नहीं खोले है, ना ही हम अपना कुछ किए हैं, चेहरा तक नहीं धोए हैं। इधर परी के लिए बैर ला दिए थे, पूरा एकदम मस्ती में खा रही है, इसका मम्मी ठाए ठाए खांस रही है, प्लस बोल रही है कि हम भी बैर खा लेते हैं। मल्ली नहीं नहीं खाना, ठीक हो जाएगी तब खाना, ठीक ना? समझदार बच्ची है, मान जाती है बोलने से क्या कि? तो दोस्तों अभी इधर इतना मौसम खराब हो जा रहा है ना, दिन में मतलब एक टाइम आपका गर्मी लग रहा है, फिर सेकेंड हाफ के बाद से एक तो बारिश आंधी तूफान भी आ रहा है, थोड़ा मोड़ा बारिश नहीं, बहुत तेज वाला बारिश पड़ रहा है। और अभी गर्मी आ रहा था लेकिन फिर से ठंडा का मौसम आ गया है। और इधर तो सोचिए हम लोग इस साइड रहते हैं तो थोड़ा ठीक भी है, जहाँ रांची का एकदम मेन रोड है ना, वहाँ तो बारिश का पानी ऐसे जम रहा है कि आदमी को आना जाना बहुत मुश्किल। अभी हम लोग का रांची में पूरा ओवर फ्लाई बन रहा है ना, उसके चलते पूरा रास्ता एकदम मतलब गड़बड़ चल रहा है। अभी तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, लेकिन कुछ दिन के बाद ऐसा दिन आएगा कि बहुत आराम से हम लोग ओवर फ्लाई में चलेंगे। और आप लोग तो देख रहे होंगे पूरा यहाँ से लेकर रातू रोड सब तरफ ओवर फ्लाई यहाँ बन रहा है। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।